नमस्कार दोस्तों, अपनी वीडियो सीरीज में जो आज का टॉपिक है यूनेस्को, आपको टॉपिक अच्छे लग रहे होंगे, आशा करता हूँ समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, अब रेगुलर क्लास रहेगी दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश रहेगी आपके लिए। अब एकदम फ्री हूँ, पहले बिजी हो गया था, अब रेगुलर वीडियो डालेंगे आपके लिए। ठीक है, तो वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा। और आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है यूनेस्को, है ना, क्या टॉपिक है आज का? यूनेस्को, और यूनेस्को की जो फुल फॉर्म क्या है सब बताओ कमेंट करके। यूनाइटेड, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। एजुकेशंस, साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म में। 16 नवंबर 1946, 1945 को क्या हुई थी, 4 नवंबर 1 से 16 नवंबर के बीच बैठक आयोजित हुई थी, और 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। ठीक है, देखो यूनेस्को के जो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले इसका क्या है वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, अगर यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो आंद्रे अजोले। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे आंद्रे अजोले। अब आंद्रे अजोले तो वर्तमान हो गया। अब प्रथम अध्यक्ष की बात करें, अब इसमें भी अपन किसकी बात करें, प्रथम अध्यक्ष की, प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन है? जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले। प्रथम अध्यक्ष की बात करें वो कौन है? जूलियन हक्सले, यानी प्रथम महानिदेशक जूलियन हक्सले। तो एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन आप जरूर कर देना। ठीक है, इसके अलावा ये सीसीएफ भी किसके द्वारा स्थापित किया गया? सीसीएफ, सीसीएफ की फुल फॉर्म होती है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होती है। यह यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया, और ये कितनी बार? 3 बार। फुल फॉर्म याद करनी है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है सीसीएफ। कब हुआ? 1984 में इसको विकसित किया गया यूनेस्को के द्वारा, 1988 में फिर संशोधन, और 92 में फिर संशोधन किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ISO 2709 किसका है या किससे संबंधित है? ISO 2709, तो IS 2709 CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट से संबंधित है, जो 1984 में आया था। कब आया था? 1984 में। कब आया दोस्तों? 1984 में। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, 1955 में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के लिए एक सम्मेलन यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया था, वो कहां पर किया गया था? 1955 वाला बताओ। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? नई दिल्ली में। सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, वह नई दिल्ली में किया गया था 1955 में। और इसकी जो यूनेस्को की जो टेगलाइन की बात करें, यूनेस्को टेगलाइन, अब यूनेस्को की जो टेगलाइन की जो बात करता हूं दोस्तों, यूनेस्को की टेगलाइन क्या है? विश्व धरोहर हमारी धरोहर, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर हमारी हमारी धरोहर। ठीक है, ये क्या है इसकी टेगलाइन है दोस्तों, सभी याद रख लोगे कि यूनेस्को की टेगलाइन क्या है? विश्व धरोहर हमारी धरोहर, ये इसकी क्या है टेगलाइन है, याद रख लोगे सब। अगला आता है ग्रंथ सूची।
एवं प्रलेखन, ग्रंथ सूची एवं प्रलेखन सूचना विज्ञान, इसमें यूनेस्को ने क्या महत्वपूर्ण कार्य करे? ग्रंथ सूची प्रलेखन एवं सूचना विज्ञान में यूनेस्को द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? तो 1949 में, 1949 में पेरिस में वैज्ञानिक सारकरण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ग्रंथ सूची प्रलेखन और सूचना विज्ञान के लिए यूनेस्को ने क्या काम किया? सम्मेलन आयोजित किया गया 1949 में। वो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में आयोजित किया गया, वैज्ञानिक सारकरण और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई? यूनेस्को की स्थापना से पहले सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, सम्मेलन आयोजित किया गया था 1 से 16 नवंबर के बीच दौरान, 1 से 16 नवंबर, 1 से 16 नवंबर 1945 सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें विचार किया था यूनेस्को की स्थापना का। फिर क्या हुआ? यूनेस्को की स्थापना हो गई 1946 में। कब हुई? 1946, यानी 4 नवंबर। आगे की डेट पूछे तो 4 नवंबर, 4 नवंबर 1946 को क्या हो गई? यूनेस्को की स्थापना हो गई। आगे बात करूंगा। अगला आता है यूनेस्को का योगदान किस तरह के प्रतिकार, किस तरह के कार्यों के लिए किया जाता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यों के लिए कार्य करता है यूनेस्को। यूनेस्को का योगदान यानी योगदान रहता है किस तरह के कार्य, सार्वजनिक पुस्तकालय में जो कार्य होता है उनके लिए योगदान रहता है इसका, यूनेस्को का। यूनेस्को द्वारा कितने घोषणा पत्र, घोषणा पत्र का मतलब मैनिफेस्टो, जो प्रथम मैनिफेस्टो की बात करें वो आया था 1949 में, और जो इनका संशोधन होता 1972, अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया 1994। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये घोषणा पत्र जारी हुआ था। ठीक है, ये यूनेस्को मैनिफेस्टो 1949 में जारी किया गया था। और यहां पर क्वेश्चन थोड़ा ये गलत है दोस्तों, यहां पर ये कहना चाह रहा है कि यूनेस्को द्वारा जो संशोधन हुआ था और कितने मैनिफेस्टो कब आया था और अंतिम रूप से स्वीकार कब कर लिया गया था, ये क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन गलत आ गया। तो मैनिफेस्टो 1949 में तैयार किया गया, प्रथम संशोधन 1972 और अंतिम रूप से स्वीकार 1994 में। ठीक है, 1994 वाला घोषणा पत्र किसके सहयोग से मिलकर किया गया? तो यूनेस्को ही था। ठीक है, कौन था? यूनेस्को। अब इफला की जो बुक ओपन पद्धति वो किसके द्वारा चलाई गई? इफला बुक ओपन पद्धति किसके द्वारा चलाई गई? तो ये चलाई गई थी यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई थी? यूनेस्को के द्वारा चलाई गई थी। अगला आता है यूनेस्को द्वारा बुक वर्ष कब घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा बुक वर्ष कब घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा जो बुक वर्ष घोषित किया गया था 1972 में घोषित किया गया था। एग्जाम में आ जाए तो आपके सबके राइट होने चाहिए, यूनेस्को ने पुस्तक वर्ष घोषित किया था 1972 में। यूनेस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये सॉरी, यूनेस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यूनेस्को की जो स्थापना यूएनओ की धारा 57 के द्वारा, यानी यह संविधान में स्वीकार कर लिया था, इसके अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को की सदस्यता कौन करते हैं? अब यूनेस्को की सदस्य जहां वहां यूएनओ के सदस्य हैं वही क्या करेंगे? इसके सदस्य बनेंगे, यूएनओ के सदस्य यूनेस्को के क्या बनेंगे? सदस्य। ठीक है, अगर आता है कुछ जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट किसके द्वारा खोला गया? तो किसके द्वारा खोला गया? 1949 में। ठीक है, 1949 में यूनेस्को की मदद से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देख क्वेश्चन पढ़ो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट किसके द्वारा खोला गया? तो यूनेस्को के द्वारा 1949 में। दिल्ली लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? 1951 में। किसके सहयोग से? यूनेस्को, भारत सरकार के सहयोग से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट किसके द्वारा खोला गया? बताया दिया, यूनेस्को की मदद से। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन,
नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर साइंटिफिक पब्लिकेशन कब और किसके द्वारा खोला गया? तो किसके द्वारा खोला गया? 1992 में यूनेस्को के द्वारा, 1992 में यूनेस्को के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, CDSIS किसका प्रोग्राम है जो आपके 2019 एग्जाम में पूछा गया था, अभी एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था CDIS किसका प्रोग्राम है, CDSIS किसका प्रोग्राम है, यूनेस्को का प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम है, यूनेस्को का प्रोग्राम है, CDSISI किसका प्रोग्राम, यूनेस्को का प्रोग्राम है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर इसके जो प्रकाशन है, यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर की जो अवधि है वो क्या है दोस्तों? त्रैमासिक है ना। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर की जो अवधि है वो क्या है? त्रैमासिक। और यूनेस्को जो कौन कौन से प्रकाशन करता है ये भी याद कर लो भाई, एक तो यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर हो गया ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, यूनेस्को जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इसका भी क्या करता है? प्रकाशन करता है यूनेस्को ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, 10 सूत्री चार्ट किसके द्वारा बनाया गया और किस और इसमें क्या लिखा था? तो यूनेस्को द्वारा लिखा गया था और इसमें लिखा यूनेस्को द्वारा सबके लिए, यूनेस्को द्वारा पुस्तके सबके लिए ये लिखा गया था दोस्तों। अगला आता है क्वेश्चन, यूनेस्को का सम्मेलन भारत में कब और कहाँ आयोजित हुआ? यूनेस्को का सम्मेलन भारत में कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1955 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 1955 में नई दिल्ली में क्या किया गया? आयोजित किया गया। अगला जो क्वेश्चन आता है, बीएसओ पद्धति किसके द्वारा मिलकर बनाई गई? तो बीएसओ पद्धति एफआईडी और यूनेस्को द्वारा मिलकर बनाई गई, किसके द्वारा? एफआईडी यूनेस्को द्वारा बनाई गई ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है, यूनेस्को आईसीएसयू कमेटी कब बनाई गई? यूनेस्को आईसीएसयू ये कमेटी कब बनाई गई? तो ये कमेटी बनाई गई थी 1967 में। कब बनाई गई? 1967 में बनाई गई थी। इसके अलावा अगर पूछ ले भाई यूनिसिस्ट कब स्थापित किया गया, यूनिसिस्ट कब स्थापित किया गया? तो यूनिसिस्ट कब स्थापित किया गया? अक्टूबर 1971 में। कब किया गया? अक्टूबर 1971 में स्थापित किया गया। यूनेस्को का एक और प्रोग्राम है IFAP, इंटरनेशनल फॉर ऑल प्रोग्राम, और ये आया था 2001 में। कब आया था? 2001 में।